अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत घर चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि लड़की जब हम बिस्तरी करती है तो उसके साथ क्या होता है और उसके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आइंदा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको आसानी मिल सके। नाज़रीन, जब शादी होती है और लड़की हम बिस्तरी करना शुरू कर देती है तो उसमें अक्सर लड़कियों का वजन बढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आना शुरू हो जाती है। और शादी के बाद जब पहली बार डेट्स आती हैं यानी पीरियड्स आते हैं तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस दौरान गर्म दूध का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इस दौरान लड़की को कमजोरी होती है और इस दौरान वजन भी ना उठाए क्योंकि इससे उसको कमजोरी की वजह से तकलीफ हो सकती है कि पट्ठों का खिंचाव पैदा हो सकता है। और जिन लड़कियों को शादी से पहले एक्नी प्रॉब्लम होता है ये शादी के बाद खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है क्योंकि जब लड़की के अंदर जो गर्मी होती है और वह हम बिस्तरी करती है तो उसकी वजह से उसके अंदर की गर्मी खत्म हो जाती है तो इस तरह के मसले मसाइल खुद ही खत्म हो जाते हैं। वो लड़की के चेहरे पर निखार आ जाता है और चेहरा बहुत ही फ्रेश नजर आने लगता है। अगर वो अपने शोहर के साथ खुश है तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी नजर आना शुरू कर देती है। इसीलिए इस्लाम में भी बच्चों के बालग होते ही उनका निकाह करने का हुक्म दिया गया है। इस तरह एक तो जिस्म में कोई मसाइल नहीं होते और वो मसले शादी से खुद बहुत हल हो जाते हैं और अपनी जिंसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंसान गलत रास्ते पर नहीं जाता। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।